बात हर पल और हर मिनट 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव में डेली के डेली कम हो रही है। अब एवरेज लगा लीजिए, कैक दिन और रहे वोट डलने के, कुछ बदलेगा कैसे? अरे हरियाणा की सरकार ने बच्चा कुछ दिन रुक कर रुक जा, तो अभी मत छेड़म हुए, ये मामलों पर छेड़ चल रहा है, बोल तो छोटी है या इन वोटन में बमेड़ा लिख रहे हो, पूरे पूरे समाज आए। अच्छा, बहुत बड़े मामले हुई, पोल लिख रहे हम पूरी मेवात की वोटन में पूरी पोल है। केजरीवाल हिसार का रहने वाला है, वो दिल्ली में तीन बार चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो ये राज बब्बर भी जीत सकता है। लोगों को उल्टा लटका रहे, लोगों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, ये लेके कन्याकुमारी से वहां तक जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक इनकी भाषा ही अलग है। ये लोग सारे हिंदुस्तान ने परख लिए, सब बिरादरी ने परख लिए, इनने अब आपको बचाना भारी पड़ रहा है। आप यहाँ से सोना जाएंगे, सोना पहुंचने में लगेगा 1.5 घंटा और सोना से गुड़गांव पहुंचने में लगेगी 15 मिनट। भाई ये जब हल्का है तो यहाँ भी 10 करोड़ बन सके, यहाँ भी तुम्हें ध्यान दे सके, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उसके जिम्मेदार ये लीडर, हाँ, और ये खुद जो है लापरवाही कर रहा हूँ वोटर ने लेके जीतने के बाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूँ आपके साथ रिजवान खान। फिलहाल हम मौजूद हैं उस मेवात में जिस मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, चाहे विकास के क्षेत्र की बात हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार मेवात पिछड़ा हुआ क्यों है। हमारे साथ कुछ जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं, उन सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पिछड़ेपन के कलंक को कैसे धोया जा सकता है। हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ की बात करें तो इसराइल है जो कहीं ना कहीं लगातार राजनीति में अपनी मजबूत पेठ बनाए रखते हैं और एक अच्छी समझ रखते हैं। तो इसराइल साहब ये बताएं कि पिछड़ेपन की वजह क्या है, विकास होता क्यों नहीं है मेवात में? देखो मेवात में विकास का जो मामला है ये पड़ गया बॉर्डर पे, बॉर्डर पे ठीक है, राजधानी वहां है चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में राजधानी है तो ये लास्ट में पड़ता है, यहाँ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा गुड़गांव तक ध्यान देते हैं। अब हमें उनमें ये फर्क है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से लगातार एमपी बना है गुड़गांव में लोकसभा से सांसद रहे हैं। हाँ, उसके बाद में आप यहाँ से सोना जाएंगे, सोना पहुंचने में लगेगा 1.5 घंटा और सोना से गुड़गांव पहुंचने में लगेगी 15 मिनट। भाई ये जब हल्का है तो यहाँ भी 10 करोड़ बन सके, यहाँ भी तुम्हें ध्यान दे सके, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उसके जिम्मेदार ये लीडर, हाँ, और ये खुद जो है लापरवाही कर रहा हूँ वोटर ने लेके जीतने के बाद। अब आगे रही बात, अब इनके लिए तो टिकट मिले 2 महीना करीब हो गए और जो ये कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा इसको 15 दिन हुए। अब से पहले 2 महीना पहले ये कहते थे कि हमारे मुकाबले का कैंडिडेट ही नहीं उतर रहा गुड़गांव में लोकसभा में, भाजपा वाले कहते थे। हाँ, भाजपा वाले यह कहते थे। आज ये है भाई मुकाबला हो रहा है, उधर ये बतलावन चलने लगी रेवाड़ी और गुड़गांव में, भाई यहाँ टक्कर हो रही है और जो मेवात जिला है वहां टक्कर ही नहीं है, वहां एक साइड इलेक्शन चल रहा है। तो 15 दिन में इलेक्शन उठना और यहां तक पहुंचना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये कैसे जीत जाएगा, बंबई से चल के आया है, ऐसा नहीं है। जब जनरल बीके सिंह वहां से चलता भिवानी से, वहां से चलकर यहां से इलेक्शन लड़ता गाजियाबाद से और वहां वो जीतता है वो दूसरे राज्य में जाके, वो भी तो वहां का नहीं है। केजरीवाल हिसार का रहने वाला है, वो दिल्ली में तीन बार चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो ये राज बब्बर भी जीत सकता है। बंबई से हेमा मालिनी मथुरा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आई, वो दो बार वहां से एमपी बन सकती है, तो ये भी बंबई से चलकाया राज बब्बर ये भी गुड़गांव से एमपी बन सकता है। मतलब इनके अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी पड़ी है, कमाल की बात है। अगला 5 बार एमपी रहा, 5 बार रहा राज बब्बर, मुकाबला अब यह है 6 बार कौन सा बनेगा, टक्कर मुकाबला आया पड़ा है। 5 बार ये रहा, 5 बार ये रहा है, 2 बार ये राज्यसभा से रहा, 3 बार एमपी रहा है, रहा तो हिंदुस्तान की पंचायत में यानी 5वीं दफा, ये भी 5 दफा रहा है। इसको ये ऐसा मत समझे अकेले कोई स्वापी का गुथनिया है, ये बराबर का मुकाबले का कैंडिडेट उतारा है। चलिए बराबर का मुकाबला है, ठीक है, कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि
मेवात में विकास क्या हुआ है? आप बता रहे हैं कि राव साहब ने कोई काम नहीं कराया। यह दिख नहीं रहा सबको, कोई अंधी है मेवात? राव साहब सब क्या आंख है? नहीं, राव साहब तो बोलते बहुत काम कराया मैंने। क्या काम कराया बताओ, कहीं दिखाई तो देता। बताओ क्या काम कराया है? कि जितना काम कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ उतना हमने भाजपा में रह के करवाया। उसने कराया वो पहली तरफ कराया, वहां करवाया, यहाँ नहीं कराया। फिर ये बताइए कि इसराइल साहब, आप तो पिछली बार उनके साथ थे राव साहब के साथ। मेवात का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है गंभीर बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अगर आप भी हैं शुगर, कैंसर, नामर्दी, एलर्जी, सफेद पानी, लाल पानी जैसी बीमारियों से परेशान, तो अभी डायल करें 89-3000-70-82। पिछली बार तो हमें उम्मीद दी गई हमारी जो है मतलब पार्टी में इस तरह के कांड हो रहे हैं, लोगों को उल्टा लटका रहे हैं, लोगों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, यह लेके कन्याकुमारी से वहां तक जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक इनकी भाषा ही अलग है। ये लोग सारे हिंदुस्तान ने परख लिए, सब बिरादरी ने परख लिए, इन्हें अब आप बचाना भारी पड़ रहा है। आप पत्रकार साहब ज्यादा परेशान मत करो, आप 10 दिन बच रहे हो। बात हर पल और हर मिनट 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव में डेली की डेली कम हो रही है। अब एवरेज लगा लीजिए कई दिन और रहे वोट डलने के, अगर 10 दिनों भी रहे तो 2 लाख वोट उधर से कम होंगी, 2 लाख राज बब्बर के हक में जाएंगे, 4 लाख का टोटा पड़ रहा है। आज फिर मुलाकात होगी 4 तारीख को, जब टेलीविजन पर रिजल्ट आएगा। गठबंधन 340 पार कर गया और भारतीय जनता पार्टी 190 के करीब रुक गई। अच्छा बताइए इनके गुरुराम साहब ने कितनी वोटों से जिता रहे बब्बर राव को? राज साहब यहाँ गुड़गांव से इंद्रजीत सोने से परे परे बरोबर टक्कर मारेगा राज बब्बर। अच्छा, और यहाँ सोने से उरे उरे ये जो मेवात की जो वोट है भैया, यहाँ के पे 80-70 बीजेपी पे, यहाँ के पे आएंगे 3,80,000 करीब। किस बात? बब्बर के पास? बब्बर के पास। और राव साहब के पास? राव साहब के पास 70-80,000 बस। वो तो कह रहे 2.5 लाख का आंकड़ा है हमारे पास। ना, वो गलत बोली है। वो गलत कह रहा है, हिसाब नहीं लगा पा रहा। एक फसल में जमींदार आदमी खेत बोता है, उसके कहता है मेरे जो है ना इसमें 60-70 मन का किला होगा। जब उसमें एक बाल चटकती है धोड़ी हो जाती है, फिर कहता है यार इसमें नुकसान से दिखाई दे रहा है, फिर वो फसल कटती है उठती है, फिर उसकी कहता है यार मैं इसमें 50-60 मन गेहूं मांग रहा था और यार इसमें तो 25 मन बैठ रहे हैं। जब उस बड़े बूढ़े कहते हैं इसमें तो पोल निकल आई, पोल तो छोटी है यार, इन वोटन में बमेड़ा निकलेगा पूरे पूरे समा जाएगा। अच्छा, बहुत बड़े मामले हुई, पोल निकलेगी हम पूरी मेवात की वोटन में पूरी पोल है। नहीं वो तो बोल रहे हैं, हाँ पोल तो निकलेगी। हाँ, आप ये हंग रहे हैं इस बात को, तो पोल निकलेगी। सुनिए हाँ, पोल निकलेगी। हाँ, लेकिन पोल निकलेगी कांग्रेस के। नहीं, ये गलत सोच है। गांव के अंदर अब ज्यादा मत कहे भाई, आप आगे जा रहे हैं, बात कहाँ पहुंचेगी यही रोक दो। यहाँ लोग जो है इलेक्शन कांग्रेस के हक में जीत रहा है ये सीट गुड़गांव की। अच्छे बताइए कि यानी कि कांग्रेस आने के बाद में कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, फिर ऐसे रहेगा सब? सब कुछ बदलेगा। कैसे? अरे हरियाणा की सरकार ने बचा कुछ दिन रुक कर रुक जा, तो अभी मच्छे कम हुए, ये मामला बड़ा टेढ़ चल रहा है। हाँ, या मैं बहुत जल्दी नदी का गया, या के गिनती के 30 दिन रह गए, 30 दिन हम खेल आलम सलम हो जाए विधानसभा में ऐसे होने वाला है। अरे जाने क्या कहा मामला हो, वही सरकार ना बचे। चलिए, ये है हमारे साथ में इसराइल, इन्होंने अपने आंकड़े बताए, इन्होंने अपने समीकरण बताए, इन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत की ओर अग्रसर हैं। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा कि क्या वास्तव में जिस तरीके के आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मेवात का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाने वाला है, तो वो सही साबित होता है या नहीं ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।